किमचो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूड वॉलेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुनपाक की रेसिपी, जो आप सिर्फ विंटर में नहीं, थ्रू आउट कभी भी बना के खा सकते हो। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे ये रेसिपी बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुनपाक बनाने के लिए एक कढ़ाई मैंने ले ली है, और ये गूंद है, ये 60 ग्राम गूंद है, और अच्छा वाला गूंद हमने इस तरह का इसमें यूज़ किया हुआ है। और ये 3 टेबलस्पून घी, घी जैसे गर्म हो जाएगा हम इसको गूंद को इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। गूंद अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। गूंद फ्राई होके रेडी हो चुका है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम प्रेस करके इस तरह से कटोरी से इसे क्रश कर लेंगे। थोड़ा सा क्रंच आने से अच्छा लगता है। और दूसरी कढ़ाई में ये 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स वाले ले लिए हैं, मैंने काजू और बादाम का इसमें यूज़ किया है, और इसका पाउडर बना लिया है इस तरह से दरदरा। गूंद भी इस तरह से क्रश हो चुका है। अब ये गूंद को फ्राई करते वक्त जो घी बचा था वही हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 200 ग्राम गुड़, हम इसमें चीनी का यूज़ नहीं कर रहे दोस्तों, इसलिए एकदम हेल्दी रेसिपी है। और गुड़ को ज़्यादा कुछ भी पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट होना चाहिए। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 150 ग्राम खोया, और ये घर का बनाया हुआ खोया है दोस्तों, और इसकी भी रेसिपी मैं दे दूंगी आगे जाके, इसको इसका भी वीडियो डाल दूंगी मैं। मिक्स हो चुका है। अब 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, फ्रेश कोकोनट का भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों, ख़ास बात का ध्यान ये रखना है कि सारी प्रोसेस के दरमियान हमें स्टोव को स्लो ही रखना है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, ज़्यादा घी का भी हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे दोस्तों, आपने देखा है। और ये ड्राई फ्रूट का जो पाउडर हमने क्रंची वाला बनाया था ना, वो वाला डाल रहे हैं। थोड़े से चंक्स भी इसके अंदर हैं, आप देख सकते हो। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। गूंद का भी हम इसी तरह से दरदरा सा पाउडर ही बनाया है हमने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ये रेसिपी आप विंटर में ही खाओ, थ्रू आउट कभी भी ये रेसिपी बना के आप घर पर खा सकते हो। अभी तो ठंड भी चल रही है। गूंद भी हमने डाल दिया है, और ये 2 टीस्पून इलायची पाउडर भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे, और ये गंठोड़ा और सौंठ का पाउडर दोनों को एक एक चम्मच, टोटल 2 टेबलस्पून पाउडर मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो चुकी हैं, और इसको हम ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देंगे। बहुत ही फटाफट ये बन के रेडी हो जाता है, और बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप अदरवाइज़ जो गुनपाक की रेसिपी देखते हो ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, बट ये एकदम ईजी रेसिपी है। देखिए, ये प्लेट के अंदर हमने इवनली इसे स्प्रेड कर दिया है, और ड्राई स्पॉट से सजा दिया है। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम कट करके सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा गुनपाक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और काफ़ी टाइम तक बना के इसे आप घर पर स्टोर भी कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे ये रेसिपी को एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिट करता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आओ जो